चैतन्य महाप्रभु उनकर लीला आज ही नहीं विश्व दिगत विश्व विख्यात हो जाय छी महाप्रभु जतले 1510 ख्रिस्ताब्द रे आसीथिले 500 वर्ष तळे जतले पुरी श्री क्षेत्र आगमन करथिले पुरी श्री क्षेत्र से समय थिला स्नान यात्रा जगन्नाथ महाप्रभु रो जो स्नान पुण्यमा हुए प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा बलभद्र विग्रह और सुदर्शन विग्रह एकाले सब स्नान करथि 108 पळथि गाधिला परे प्रभु को सर्दी हो जाय माने ठंडा हो जाय जर हो जाय 14 दिन धरिकि तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा मठ रे थाई नित्य जगन्नाथंकर आरती दर्शन करथिले सकाळर ब्रह्म मुहूर्तर आरती जेतेबेले जय जगदीश रे प्रभु जगन्नाथंकर आरती होई जाए सेतेबेले महाप्रभु नृत्य करंती आनंद रे भाव विरण दिया ठाकुर कहंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तापर आनंदित से नाची नाची ढळ ढळ जांती गंभीरा मठ को सार्वभौम मठाचार्य जने पंडित थिले जे कि गंभीरा मठ रे से सबले वेद पाठ करंती सकाळ संध्या तांकर वेद पाठ करिया नियम थिला सेई समय रे महाप्रभु जाकी हली धुली करी जाई पसी जांती सात दिन एपरी हला लास्ट को सार्वभौम मठाचार्य पचारले पंडित तुम्हें किए तुम्हारे परिचय कौन तुम्हें पागल उपरी एपरी हली ढुली आसिक बसी जाऊ तुम्हारे परिचय टे कौन से महाप्रभु देखे रूप मु राम मु कृष्ण मु गौरांग मु सरभुज रूप मोर छ हाथ ए दे आउ जोड़े हाथ में से धनुमान धनुष धनु तीर धरिंट आउ जोड़े हस्त में प्रभु धरिंट मुरली वंशी आउ जोड़े हस्त में महाप्रभु धरिंट निज गढ़ु आ निज माला तापर प्रभु जेतेबेले समुद्र तीन दिन पर जेतेबेले जांती नेक्स्ट टाइम रे जेतेबेले सार्वभौमटा जे चली जांती आपन वृंदावन चली जांती द्वादश तिलक नहींकरी दीक्षा नहींकरी सेही समय सब से त्याग कर दियंती प्रभुंक स्पर्श रे तापर प्रभु चली जांती नेक्स्ट टाइम जांती जगन्नाथ मंदिर द्वार बंद थिला प्रभु तीन दिन काल अपेक्षा कले वरुणस्तम पछरे भजन कल कर 500,000 माला भजन बिकी गला महाप्रभुंक द्वार खोलला नि जगन्नाथ महाप्रभुंक 14 दिन अनसर महाप्रभु तीन दिन रहिथिले वरुणस्तम पछरे भजन करथिले एवं द्वार खोलला नै सेसुक महाप्रभु कोन कले महाप्रभु सीधा चली गले सीधा समुद्र को समुद्र धार धार जी आगे देखिले आज्ञा स्वर्ग द्वार आगे गोटे ठिया बा मूर्ति अछि माने हरिदास मठा आगे पूरी समुद्र कूल गोटे ठिया मूर्ति अछि सेठी जगन्नाथ बाणी कहते हे चैतन्य तुम पश्चिम दिग को जाओ ब्रह्मगिरी रे गोटे जगह अच्छी अलारनाथ पीठ मुझे अलारनाथ पूरे 14 दिन गरम गरम खीरी खाए तापर मो देह सुस्थ होला पर नवजौवन दर्शन दिए भक्तों को जगन्नाथ रूप रे एवं जगन्नाथ रूप रे रथयात्रा रे स्वागत करे सब भक्तों को रथयात्रा बोले जे अलारनाथ स्वामी की जय तापर क्या हुआ तापर कौन हला सेठू कौन हला महाप्रभु महाप्रभु सेठ धाई आस कोठी ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी आसला पर पत्थरटा मंदिर सामने था ए पत्थर जल देखो क्या ले हां ए पत्थरटा मंदिर सामने था ए पूरा समान था ए खाल खाल न था तेणु ये पत्थर पर भगवान जो मंदिर आगे देखी देते संकट पर बदात्मा नृत्य करके प्रभु शासन प्रणाम करते यहाँ हूँ मुंड ठाकुर यहाँ हूँ बेक ये दी हाथ ये दी कहुणी ये अंटा ये दीटा आंठू लास्ट दीटा चरण भगवान कौन करते गौरांग महाप्रभु ये आंठू लगे पक्षपट को आज उल्टी थे यहाँ हूँ पक्षपट चिन्ह तो महाप्रभु एपट सेपट हूँ दी पक्ष चिन्ह तेणु भगवान अलानाथ वरदान देते तो पथर कथा जी श्रवण कर तो पथर कथा जल जी मस्तक छिटल करोर करुणा प्राप्त हो अलानाथ दर्शन कला सारा चैतन्य महाप्रभु मंदिर आसा पड़े एवं मंदिर कथा श्रवण कर अलारनाथ कथा श्री महाप्रभु विग्रह अलारनाथ विषय आज आम कि कथा कहवा अलारनाथ महाप्रभु किंवदंती जना पड़े जे पूर्वा पुरातन समय रे गमा वंश बोली गोटे ब्राह्मण वंश परिवार थिला
जेकि से वंशरे केपरी उन्नति हैला प्रथमे अलननाथक विषयरु जणा पडे ब्रह्मा जेतेबेले एठी अवतरण करथिले एठी गोटे बड पहाड़ थिला ए पहाड़ उपरे ब्रह्मा नित्य अवतरण करंती एवं नित्य तर्पण सारकी स्वर्ग को प्रत्यावर्तन करंती एमिति करू करू 14 वर्ष बीती गला किंतु प्रभु श्री अलननाथक दर्शन मिलिला नै तणु ब्रह्मा क्रोधरे निजर एक तलवार धरी बोले मु आज ए शिर काटी देबी जेतेबेले शिर काटी को उद्यत हुओ दे सेही समय रे प्रभु जगन्नाथ अलननाथ महाप्रभु दर्शन देले एवं कहिले मोर यहाँ गोटी एठी गोटे मूर्ति स्थापना करो जे कि शालग्राम रे 1000 शालग्राम निमित्त तेणु गंडुकी नदी पवन देवता सहायतरे जहाँकि गंडुकी नदी जो विष्णु जो शालग्राम पड़ रही था खंड खंड शिला पथर ताकू खंड खंड शिला पथर जोड़ी आज से भगवान को जो मूर्ति देखिले अलननाथ विग्रह से 1000 शालग्राम मूर्तिर पथर विग्रह ये होता पुरतन कथा ब्रह्मा जिते प्रतिष्ठा कले और प्राण प्रतिष्ठा देदेले प्रभु को जिते जीवनदान देदेले से जगह ना है ब्रह्मगिरी कहना ब्रह्मगिरी पर बसिकी प्रतिष्ठा कर ब्रह्मस्वरूप को तेणु जगह ना दिखाई ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी ये आसला प्रथम उदाहरण जितेबाला आसला मैंने कमा वंश को आम जा कमा वंश जो राजूति करुले मैंने जिते गाँ गहली सब ब्राह्मण मैंने रही थे सब भिक्षा करके मगुच चलते से तो हल बिल हल फल सब कर ब्राह्मण ने किसी परिश्रम करें किसी मागियावृत्ति करके चलुले जेकि भिक्षा माग मागिया बहुत जेकि भिक्षा करके से जो आने भिक्षा कर जिन से ठाकुर को समर्पण कर अलननाथ को खीरी टी रांधे प्रभु को देखेबे से चलिए रास्त चलिए एमती करू करू तीन दिन पाड़ी पड़ा श्रीकेतन पंडार से जो गाँव में गोटे पंडा अच्छी ना हूँ श्रीकेतन पंडा तार गोटे छुआटे तो अच्छी 8 वर्ष बालक ना हूँ मधुसूदन पंडा श्रीकेतन पंडा बोले कहला अरे पुह मुझे जाऊँ तीन दिन भिक्षा करने विदेश टी बाहर को गले काले पैसा पत्र अधिका मिल तेणु मुझे विदेश जाऊँ अभाव असुविधा है कहना घर में समस्या है कौन ये जगार बरुड़ी अभाव है जल परिवर्तन जो जल जदि न पड़ो ये जगह जल जदि अभाव है ये जगह केमी उन्नति हे ये चाषवास केमी हे तेणु ये जगह कई भिक्षा आते मिलना मुझे दूर बाट को जाऊँ पुह तू टे ठाकुर अलननाथ को पूजा कैन दिन दायित्व देक पुह को श्रीकेतन बाबू चलीगले श्रीकेतन पंडा महाप्रभु कुआड़े चलीगले भिक्षा करने विदेश गाँ को अच्छा छोट बच्चा 8 वर्ष बालक कौन जाने से किसी जाने पूजा जाने कि मंत्र जाने कि किसी जाने सी आसिक प्रभु ठाकुर को गाधेदेला ठाकुर को स्नान करदेला चंदन लगेदेला सिंघार करदेला माल लगेदेला वस्त्र पिंधेदेला प्रभु को सिंघार कर दे कि कहला आस ओला खाओ खीरी बापा जाइंट विदेश कर मुझे दिय कना खाइले खाओ ना माने मु जानी तुम ना प्रभु आम कि ये पूजा मंत्र जाणी ना जी श्रद्धा हम आसतु एवं खातु तो आप खेल टाइम ही मोर हो जी न खाइबे मत जबरदस्ती आप हाथ भिड़िया पड़ो तेणु जाए कर जबरदस्ती हाथ भिड़ी चक्र हाथ को चक्र हाथ कहीं हाँ प्रभु हलिवे भगवान सेमती निदा विष्णु निदा भाया रही तेणु जमा हलिले ना तेणु भगवान को यहरी अवस्था देखिक बण में क्रोध आसी जाइए बाड़क कौन कर बाड़क गोटे दंडा धरी बाड़ी धरी कही ठाकुर जी तुम न आसब मो खेल तो समय हो तुम्हें जी न आसब मु तुमको पांचण में बाड़े पांचण जो उठे जी भगवान प्रकट हो जाती बोले अलननाथ स्वामी की जय जिते सीए जो अलननाथ प्रकट हो जाते महाप्रभु कहते हैं तू जाओ तुम्हें जाओ बाबू आम खाई मत मारनी बाबू मुझे गोटे छोटिया बाड़क टीए पाए तुम्हरी सांगे भगवान प्रभु चल कही बाड़क चलीगला खेल को छोट बाड़क कथ शु प्रभु खाइले खाई गोटे दिन खाइले द्वितीय दिन खाइले तृतीय दिन जो खाली पत्र धरिकी छुआ जाए माँ प्रथम दिन पचार किए छुआ खीरी कहीं ना भगवान खाई आरे भगवान जी खाई से प्रसाद कुआडे कौन है तू तो बापा तोर एत षोड़श पूजा मंत्र जाने बुढ़ा होगा बाड़ पचीगला दिने शुणी भगवान खाइबार कान शुणी ठाकुर खाई तू कहू ये कथा मुझे बाबा विश्वास करी रे बाबा धन ना ना मुझे तो विश्वास करूना लगे गोटे जबुड़ाटे बजेदे माँ बजेदे जो जबुड़ाटे से छुआ कांदी से ही समय बापा श्रीकेतन पंडा आसिक पहुंची पचार छुआ को कहीं माइलु ना छुआ कहे ठाकुर खीरी खाईदे प्रथम दिन खाइले द्वितीय दिन खाइले तृतीय दिन जो खाली कुड़ा धरिक आने तो भोक थी दि दिन तीन दिन काल संभाली पाइली गोटे जबुड़ाटे मारिदेली आ छुआ कांदा गाभ भोगी छुआ को पचारे किए बाबा श्रीकेतन पंडा पचारे कौन अरे छुआ मधुसूदन कौन एक कथा सत्य हाँ बाबा सत्य ना जदि सत्य काली तो साथी रे मंदिर जी आखिरे देखी विश्वास करी कथार विश्वास करी ना जी जीवु ताल साथी रे मो साथी रे चले
बापो पुओ दुहे आछन्ति मंदिर नेक्स्ट टाइम आसिया भितर कोन होईची ना पुओ बापो बुओ जमिति सिंगार करथिला माळ लगैथिला जेमिति ठाकुरन सेवा करथिला कोला बापो कोंकला खीरी रांधिला उठे बडो हांडी रे बाई हांडी रे माटी हांडी रे खीरी रांधिला रांधी की भगवान को समुख रे थोइला कहिला देखा तो भगवान को बिली कोई कान जतले छुआर दरे दिली गाणी छी मधुसूदन कान धर की ताकू दुवार भितर को पकी दीची रूम भितर को एवं दुवार बाहर तर को दुवारटा बंद कर दीची कपाट रे आगुआ सूत्र द्वारा गोटे कोणा करथिला ब्राह्मण से कोणा रे गोटे अलौकिक सृष्टि हला जते अलौकिक सृष्टि हला देखिला कोण ना लाइट ऑफ होयला देखिला से कोणा रे कोण ना प्रभु अलारनाथ गरम गरम खीरी रे हाथ बुड़ौचंती एवं अलारनाथ को कोळ रे बसीची मधुसूदन बालक ब्राह्मण देखि की सही पाइलानी दुवार खोली की जाई की डाण हाथ को धर दला भगवान को हाथ को अलारनाथ महाप्रभु को हाथ को प्रभु कहिले ब्राह्मण मु खुशी अछि प्रसन्न अछि जहा बर मागियो मु देबी मो हाथ छाड़ी दियो हाथटा पोड़ी जाउची সেই সময় সে আত ছাড়া না ব্রাহ্মণ কহিলা ব্রহ্মা আসন্তু বা শিব আসন্তু মু কেবে বি আপনার হাত ছাড়বি না কালি নাই পহরদ নাই তিন দিন চোরি করে খাইছ আরে সেই তো মু তোতে বড় দান দেবা আসিছি রে ব্রাহ্মণ খুশি অছি তু দে হাত ছাড়ি দিয়ে যেতবে সে হাত ছাড়া না সেই সময় বাড়ক মধুসূদন কোলর উঠি আসি ভগবান কোলর উঠি আসিকি সে ভগবান বুড়ার বাম হস্ত কু ধরলা বুড়া কহিলা বাবা বাবা না কোণ না পুত্র না মো প্রভু হাত ছাড়ি দিও প্রভু হাত পোড়ি যাচ্ছি মো হাত ছাড়ি দিও প্রভুঙ্কর সেই সময় তা বাবা হট বলে কী মানে চিৎকার করি তা গোটে ডাহাণ হাতের তাকে ছিটকা ছিটকা মাড় দেলা তাপরে যেতবে সে বাড়ক মুন্ড চট্টাণের পড়ছি ফাটি যাই খুন বাহারি রক্ত বাহারি ভগবান ক্রোধিত হয়ে যাই অলারনাথে যে ব্রাহ্মণ তু কণ কলু মো ভক্ত কু মারু মো ভক্ত কু রক্ত বুহাই দেলু তোর সবু বংশরে কে রহবে না তো বংশ বিনাশ হয়ে যাব সমুদ্র জলরে এইটা মোটর অভিশাপ এবং মধুসূদন কু স্বদেহরে বৈকুণ্ঠ নিয়ে যাবি মধুসূদন কু প্রভু স্বদেহরে বৈকুণ্ঠ নিয়ে গেলে অলারনাথ মহাপ্রভু যুগ যুগ পাই কিন্তু কীর্তি রহিগলা পোড়া হাত মহাপ্রভুঙ্কর চক্র হাত পোড়িগলা অলারনাথঙ্কর 15 দিন জগন্নাথঙ্কর বিখ্যাত হয়ে গেল অনসর যাত্রা যেহেতু আমি যে চৈতন্য মহাপ্রভু এটি আসি যেতবে পাই দর্শন ইয়ে জায়গায় তেমনি এটি অনেক ভক্ত আসুচ অনেক বঙ্গলা অনেক তেলুগু অনেক বিহার অনেক কুয়ার কুয়ার লোক আসুচি যাকে 15 দিন যাত্রা হুয়ে আমার অনসর যাত্রা যে কি জগন্নাথ মহাপ্রভু যেদিন স্নান ভিতরে গাধেইবে তা পরদিন জগন্নাথঙ্কর অনসর যাত্রা হয়ে যায় যাত্রা যে কি জগন্নাথ মহাপ্রভু নিজে কহতি যে মু 14 দিন রহে না পুরী মন্দিরে 14 দিন লুচিকি যায় ভাই বলভদ্রক কহে না ভৌণী সুভদ্রাকু কহে না লুচি করে যায় 14 দিন গরম গরম ক্ষীরি খায়ে যা ফল কি ক্ষীরি খাইয়া দ্বারা মো দেহ সুস্থ হয়ে যায় নবযৌবন দর্শন দিয়ে রথযাত্রার সব ভক্ত স্বাগত করে তেমন এই হচ্ছে মোর অলারনাথ লীলা জয় অলারনাথ জয় জগন্নাথ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ଅଲାରନାଥ ଅଛି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି କଦମ ବୃକ୍ଷ ଏଇ କଦମ ବୃକ୍ଷ 2007 ମସିହାର କଥା 2007 ମସିହାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗତ ଏଇ କଦମ ବୃକ୍ଷ ମନ୍ଦିରର ପଛରେ ତଳେ ଥିଲା 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛ କାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲା କାଣ୍ଡ ଶୁଖିଗଲା ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ରୋଷେଇର ଜାଳ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ମାନେ ସେ କାଠଟିକୁ ଗଛଟିକୁ କାଟିଦେଲା ରାତ୍ର ସମୟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ମୋତେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର 2007 ସେ ଗଛ ହଣା ହେଇକିରି ସେ ଗଛ ତଳେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଚେରଟି ଗଛରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଗଛଟା ଲଗାଇ ଦିଆଲା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଳସ ବାହାରିଥିଲା ସେ କଳସଟା ବି ଅଛି ସେହି ମାଟି ତଳୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ କଳସଟି ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଥିଲା 8 ଫୁଟ ମାଟି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 8 ଫୁଟ ମାଟି ବାହାରିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି